टू। तो तुम्हारा घर नहीं है, ऑफिस है ऑफिस, तुम आए कैसे बिना नहाए? कैसे हो, कैसे आया बिना नहाए? मैं क्या करता घनश्याम जी, मैं बोलने ही वाला था जी। घनश्याम जी, जी पहले बोला करो, समझ गए? हाँ, आइंदा से पहले बोलूंगा जी। घनश्याम जी, तो मैं क्या कह रहा था? तुम कुछ नहीं कह रहे थे, मैं कुछ कह रहा हूँ, वो सुनो। ऑफिस में बिना नहाए धोए आना नहीं आज के बाद। आज के बाद नहीं आऊंगा ऑफिस में बगैर नहाए धोए। हाँ हाँ, पानी नहीं था ना, पानी नहीं था इसलिए बगैर नहाए। पानी नहीं था, पानी नहीं था, मुझे देखो, मैं भी तो नहा के आया हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। वो अलग बात है कि शेव नहीं बनाई, लेकिन मैं फ्रेश होके आता हूँ नहा धोके। हाँ, फ्रेश होते हो, शेव करते हो, नहाते धोते हो, सही है। तो फिर नहाते क्यों नहीं? हाँ, तो नहाते क्यों नहीं? यार तो फिर नहाते क्यों नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं नहाते? क्या मतलब, क्यों नहीं नहाता मैं? हाँ याद है, वो इसलिए कि वो वही प्रॉब्लम थी ना, पानी नहीं आया था इसलिए नहीं नहाया ना घनश्याम जी। गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ गुड मॉर्निंग, अच्छा है, गुड मॉर्निंग अच्छा है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, गुड मॉर्निंग ही तो बोला है। कॉफी पियोगे? मैं कॉफी नहीं पीता, नहीं चाहिए मुझे कॉफी। गुड, कोई बात नहीं, तो मेरे लिए तो बना लो। अच्छा। बॉस, आपने इस घनश्याम को बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ, मैंने उसको सर पे चढ़ा रखा है, सही बात। इसमें सही बात क्या है? हाँ, यही कि उसे सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ, वो उसको लोन लिया है ना, इसलिए। हाय विशाल। हाय। चलो ना, किसी रिजॉर्ट पे चलते हैं। हाँ, जाओ ना, जाओ जाओ जा। अरे क्या जाओ जाओ, आप इसके बाप है कि? और तुम्हें ये रिसॉर्ट पे जाने का ख्याल कहाँ से आ गया? अरे मेरे घर में पानी नहीं आया और मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों रिसॉर्ट पे चलते हैं, वहाँ स्विमिंग पूल होगा, दोनों स्विमिंग करेंगे जम के। हाँ, दोनों स्विमिंग करो जम के। टाइम टाइम नहीं है ना बॉस, कितना काम है ऑफिस में, टाइम क्या है, कैसे जाओ? हाँ बेटा, टाइम नहीं है। डैड, विशाल, मैं ऐसे नहाए बगैर रह नहीं सकती। हाँ विशाल, ये नहाए बगैर रह नहीं सकती, सही है। क्या बॉस, क्या नहाए बगैर नहीं रह सकती? हमारे देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन नहाए बगैर रहती है, पता है आपको? ये क्यों नहीं रह सकती? हाँ, क्यों नहीं रह सकती तुम? मुझे कुछ नहीं पता है, और तुम क्या पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की जैसे बात कर रहे हो? मुझे जाना है और तुम मुझे लेके जा रहे हो, वरना वरना क्या, वरना क्या, वरना मैं घनश्याम के साथ चली जाऊंगी। वेरी गुड, घनश्याम के साथ चली जाएगी। वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, घनश्याम को लेके मत जाना, वरना मेरा लोन वो तुमसे वसूल करेगा बेटी। विशाल के साथ ही जाओ, विशाल तुम जाओ इसके साथ। अरे लेकिन बॉस, मेरे साथ क्यों? अरे क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। अरे आपको मुझ पे ट्रस्ट है, ठीक है, लेकिन मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं है, उसका क्या? और वैसे भी बॉस, आप मुझे समझते क्या है? मैं तुम्हें एक शादीशुदा इंसान समझता हूँ, और शादीशुदा इंसान बाहर के अफेयर नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मतलब, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इसके साथ रिसॉर्ट पे जाऊं? बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ जरूरी नहीं है बेटा इसको तुम्हारे साथ रिसॉर्ट जाना। डैड मुझे विशाल के साथ जाना है, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, चलो बॉस, नहीं आप जाओ, चलो जाओ, जाओ, अरे ये गला रह जाएगा, जाओ 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 बेटा, जाओ जाओ, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, भरोसा है। अच्छा है घनश्याम, तो उससे तो अच्छा है। शाहरुख खान अपने गांव में बिजली ला सकता है और आमिर खान अपने गांव में लगान माफ करवा सकता है, तो मैं क्या अपने शहर में पानी नहीं ला सकती हूँ? मम्मी जी, शाहरुख खान को बिजली लाने के लिए आशुतोष गवायकर ने 8 करोड़ रुपए दिए थे। हाँ, और आमिर खान ने अपनी लगान इसलिए माफ करवाई क्योंकि उसमें उसकी गर्लफ्रेंड किरण राव असिस्टेंट डायरेक्टर थी। सारी जमीन पे पर 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 करना जरूरी है। कुछ भी हो, मैं तो आज के आज पानी ला कर ही रहूंगी। पर बहू, तू लाएगी कैसे?
मम्मी जी कल मैंने ना सपना देखा कि हमारे घर के नीचे कुआं है, वही कुआं हम सबकी प्यास बुझाएगा। कैसे? अच्छा ये टीवी रिपोर्टर है? हाँ विशाल, मैं इसी के बारे में बता रही थी, यही मेरी फ्रेंड है जो जर्नलिस्ट है। ये कैमरा है? चालू है? विशाल ये वही है जो हमारी पानी की प्रॉब्लम को टीवी पर दिखा दिखा कर हाईलाइट करेगी। अच्छा ये तो अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात तो ये है विशाल जी कि इस पानी की प्रॉब्लम के सॉल्व होते होते ना आप एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। मैं सेलिब्रिटी? वेरी गुड। पर कैसे? क्योंकि तुम जा रहे हो भूख हड़ताल पे, हंगर स्ट्राइक। ये कौन था? अरे ये पवन जी थे। उनकी आवाज है? पवन जी? हाँ, अपने फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं, उनका कोई छत तोड़ेगा तो चिल्लाएंगे नहीं। अरे बहू, पानी जमीन के अंदर आता है, फ्लैट के अंदर कैसे आ सकता है? मुझे क्या पता था मम्मी जी। अरे दिमाग खराब हो गया, हमारी छत क्यों तोड़ रहे हो? हम आपकी छत थोड़ी तोड़ रहे, हम तो मेरा फ्लोर खोद रहे। अरे वही फ्लोर तो मेरी छत है। दरअसल क्या है ना, मैंने कल सपने में देखा था कि हमारी फ्लोर के नीचे बहुत सारा पानी है। है ना पानी? कल ही टैंकर मंगवा के मैं सारे बर्तनों में पानी भर दिया, अब एक हफ्ते की कोई टेंशन को नहीं। ए मारी भाई, लगता है मैंने वही वाला पानी देखा था। अच्छा वो छत टूटने की आवाज सुनकर मैं ऊपर आ गया, नहीं तो छत तोड़ के मेरा पानी चुरा लेते। नहीं नहीं, क्या पानी नहीं आ रहा, इसका मतलब थोड़ी है आप किसी की छत तोड़ के पानी लूट लो। अरे इंसानियत की भी कोई हद है, मैं पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। बंद करो बंद करो, एक मिनट। मैं भूख हड़ताल पे? सिमी तुम तो जानती हो कि मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता, ये हंगर स्ट्राइक। क्या विशाल, तुम एक दिन भूखे नहीं रह सकते? कम ऑन, तुम्हें एक दिन भूखा रहना पड़ेगा। मेरे लिए एक दिन भी भूखा नहीं रह सकते? अरे लेकिन मैं तुम्हें ना सेलिब्रिटी बनते देखना चाहती हूँ। हाँ मगर विशाल जी आप समझ नहीं रहे हैं, कल शाम तक तो पानी आ ही जाना है, तो आपको बस कल शाम तक ही भूखा रहना पड़ेगा। क्या? हाँ हाँ, मेरी मिनिस्टर जी से बात हो गई, उन्होंने बताया कि कल शाम तक पानी आ ही जाना है, प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जानी है, और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी आप एक सेलिब्रिटी होंगे। हाँ मगर 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 कुछ नहीं विशाल, जस्ट शट अप। और इतना बड़ा चांस तुम नहीं खो सकते, और वैसे भी उसने कहा है ना कि कल शाम तक पानी आ जाएगा। और सोचो अगर तुमने भूख हड़ताल रखी और कल शाम तक पानी आ गया, यू नो व्हाट, पीपल आर गोना थिंक कि तुम्हारे भूख हड़ताल की वजह से पानी वापस आया है। यू आर गोना बिकम अ स्टार। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चांस है सेलिब्रिटी बनने का। कम ऑन विशाल, यू आर राइट, यू आर राइट। ए भाई चालू कर, भाई चालू कर। विशाल जी मैंने आपके लिए एक विशेष पेशकश तैयार की है जिसका शीर्षक होगा पानी के लिए सुसाई। हो गई ना शांति? अरे शांति तो वैसे ही हो जाती, थप्पड़ क्यों मारो? जरूरत थी, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में इतना बोलना अच्छा नहीं होता। तुम्हारे से बात करना भी बड़ा रिस्की है। अच्छा मैं तो चलता हूँ, नहीं तो फिर मार दोगे आप। ए मारी भाई, ये कौन से शहर में आ गई हूँ? जमीन में खोदो तो नीचे वाला आ जाता, छत में खोदो तो ऊपर वाला आ जाता। इससे तो अच्छा हमारा गांव है, किधर भी खोदो, दाएं खोदो, बाएं खोदो, ऊपर खोदो, नीचे खोदो, कोई भी नहीं आता है। एक तरीका है। तरीका?
हाँ मम्मी जी, अपनी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाला फ्लोर है ना, वहाँ जाके हम खोदेंगे, वहाँ तो पानी आ ही जाएगा। अरे मम्मी, पूरी बिल्डिंग गिराने का मूड है क्या? और कोई भूल अपना फ्लैट क्यों तोड़ने देगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब क्या करूँ? इस पानी की परेशानी के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोच बहू, जल्दी सोच। हाँ मम्मी जी। बंगर सुसाइड। अरे माय सुसाइड। अरे ये सिर्फ नाम है, सुसाइड सच में थोड़ी ना करना है। हम सिर्फ ऐसे दिखाएंगे कि आप पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे भूखे रहकर अपनी जान दे दें। अरे विशाल जी, जरा सोचिए, जरा सोचिए जनता पे क्या आपका इंप्रेशन बनेगा, और आप एक रात में सेलिब्रिटी बन जाएंगे। प्रॉब्लम तो वैसे भी सॉल्व होने वाली है, कल शाम को पानी आ जाना है। वैसे वो तो सिमरन मेरी अच्छी फ्रेंड है, इसलिए ये बात सब मैं आपको बता रही हूँ, वरना इतना अच्छा मौका तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को ही देती। नहीं नहीं नहीं, नहीं आ, मैं हूँ ना, मैं करता हूँ ना। ए भाई चालू कर भाई, मैं करता हूँ। लव यू विशाल, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू, लव यू, लव यू, आई लव यू टू। ये क्या उंगली दिखा के टू कर रही हो? मैंने टू तो नहीं कहा, मैंने कहा आई लव यू टू, TOO, TWO नहीं, आई लव यू टू। स्पेलिंग भी नहीं आता इसको। चालू करो तू, चालू कर। तो विशाल जी। हेलो हेलो विशाल जी। पीछे के बैठिए, आराम से बैठिए, सब दिखेगा। आवाज आवाज आएगा इसमें? हाँ हाँ आएगा, आप आराम से बैठिए। अच्छा ठीक है, अच्छा है, मैं दिख रहा हूँ ना। हाँ चलो। अच्छा हाँ, तो कैमरा के सामने आप ये बोलिए कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ चुका हूँ, जब तक पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी मैं ना कुछ पीऊंगा और ना ही कुछ खाऊंगा, ठीक है? ओके बोलो। मैं विशाल राजपूत, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, मैं एक मेडिकल कंपनी में काम करता हूँ। मेरी मेडिकल कंपनी पिपला फार्मास्यूटिकल्स। हेलो विशाल जी, आप कोई टीवी शो होस्ट नहीं कर रहे हैं, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, कॉमन मैन है, कॉमन मैन की तरह बिहेव कीजिए। सॉरी सॉरी, क्या है कि मैं पहली बार टीवी पे आ रहा हूँ ना, जी मुझे लगा कि थोड़ा हीरो। पहली बार कॉमन मैन ना, चल। अच्छा कॉमन मैन, बिल्कुल ओके। मैं विशाल राजपूत, मैं अपनी प्रॉब्लम आपको क्या बताऊं, मेरे घर में कई दिनों से पानी नहीं आई, पानी के बगैर ना मैं खा सका, ना मैं नहा सका, और ना मैं धो सका। आपको नहीं पता कितने दिनों से मैं खुद नहाया नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे खुजली हो रही, कितने दिनों से मैंने कपड़े भी नहीं धोए, अपने कपड़े की बदबू से कितनी बार मैं खुद बेहोश हुआ। इसलिए मैंने कसम खाई कि जब तक मेरी पीठ की खुजली नहीं चली जाती, जब तक पानी नहीं आएगा, जब तक मैं नहा नहीं सकूंगा, कपड़े धो नहीं सकूंगा, तब तक ना मैं कुछ खाऊंगा, ना मैं कुछ पीऊंगा। एक मिनट, बंद करो बंद करो। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खाने का ठीक है, पीना चालू रखते ना। अरे क्या सर, आप भी आप अमरण अनशन कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ? अमरण अनशन, ये किसी प्रकार का आम होता है, अरे जिसमें जब तक मौत नहीं हो जाती कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, उसे अमरण अनशन कहते हैं। She means hunger strike. Okay, hunger strike. Yeah. हाँ खाने का ठीक है, लेकिन पानी तो पीना पड़ता है ना।
अरे विशाल जी क्या बात कर रहे हैं, अब पानी की समस्या को लेकर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और अब पानी पीने की बात कर रहे हैं। अरे लोग क्या कहेंगे कि पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, पानी पी रहे हैं। हीरो बनिए विशाल जी, हीरो बनिए और सबको दिखा दीजिए कि आप बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए इस हंगर स्ट्राइक को जारी रखेंगे, इस पानी की प्रॉब्लम को तो सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप ही मुझे बताइए कि क्या बोलना है। हाँ, आप जैसा जैसा बोलेंगी मैं पीछे पीछे बोलूंगा। ओके, लेट्स गो। ही इज वेरी गुड। चालू करो भाई, चालू करो। बोलिए। वेरी गुड विशाल जी। विशाल जी, मैं विशाल राजपूत। मैं विशाल राजपूत पानी की प्रॉब्लम से इतना तंग आ गया हूँ, पानी की प्रॉब्लम से इतना तंग आ गया हूँ, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक पानी नहीं आएगा, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि जब तक पानी नहीं आएगा मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ना ही मैं बाथरूम जाऊंगा, ना ही मैं बाथरूम जाऊंगा और ना ही टॉयलेट जाऊंगा और ना ही टॉयलेट। एक मिनट, बंद करो बंद करो। अरे खाने पीने का तो ठीक है लेकिन टॉयलेट तो जाने दो। विशाल जी कैसी बात कर रहे हैं आप भी, जब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो टॉयलेट जाने की जरूरत कहां से पैदा होगी। विशाल जी कैसी बात कर रहे हैं आप भी, जब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो टॉयलेट जाने की जरूरत कहां से पैदा होगी। शी इज राइट, जब खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कहां से होगा। राइट, चलिए फिर से बोलते हैं, आगे चलो। चालू रखो भाई, चालू कैमरा, चालू रखो कैमरा, चालू रखो। ना ही मैं बाथरूम और ना ही मैं टॉयलेट जाऊंगा। ना ही टॉयलेट और बाथरूम एक ही है। ठीक है, बोलता हूँ मैं, ना ही टॉयलेट जाऊंगा। शहर के पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, शहर के पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी जान तक दे दूंगा, मगर हंगर स्ट्राइक खत्म होने नहीं दूंगा, मगर हंगर स्ट्राइक को खत्म नहीं होने दूंगा। अगर इस हंगर स्ट्राइक में, अगर इस हंगर स्ट्राइक में मेरी जान भी चली जाए, मेरी जान भी चली जाए तो इसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार। और मेरी आत्मा की शांति के लिए, और मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे, मेरी कब्र पे एक पानी का हैंडपंप, एक पानी का हैंडपंप जरूर लगवा, जरूर लगवा देना, जिसके ऊपर लिखा जाए, जिस पर लिखा जाए, पानी की समस्या को सॉल्व करते करते मैंने अपनी जान गवाई। पानी की समस्या को हल करते करते अपनी जान गवा दी। मेरी मौत के बाद मेरी अस्थियां, मेरे मौत के बाद मेरी अस्थियां पानी में विसर्जित ना की जाए, पानी में विसर्जित ना की जाए, क्योंकि इससे पानी प्रदूषित होता है, क्योंकि उससे पानी प्रदूषित हो जाता है और पानी पीने लायक नहीं रहता, और पीने के लायक नहीं रहता, और जब तक मैं दूसरे लोग ना पहुंच जाऊं, और जब तक मैं दूसरे लोग, अरे भाई बंद करो बंद करो, अरे ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पानी की समस्या के बारे में कम, मेरी मौत के बारे में ज्यादा यार। विशाल जी ऐसा बोलेंगे तभी तो लगेगा ना लोगों को कि कितना डेयरिंग आदमी है, एक पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी मौत से भी नहीं डर रहा वो। अरे लेकिन मुझे अपने मरने की चिंता है। हाँ, मुझे भी इनके मरने की चिंता है। हाँ, पर ये सच में थोड़ी मरने वाले हैं, कल शाम को तो पानी आने वाला है ना। कभी सुना आप लोगों ने कि एक दिन खाना ना खाते पानी ना पीके कभी कोई मरे? हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि एक दिन आदमी भूखा रह के मर जाता है। मैंने भी नहीं सुना है। विशाल जस्ट शट अप। लेकिन सिमरन मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सक्यूज मी विशाल जी। मैं अब चलती हूँ, मेरा काम तो हो गया है और मैं शाम को वापस आती हूँ, तब तक आप अपने सारे काम निपटा के एकदम फ्री हो जाएगा मरने के लिए। मतलब भूख हड़ताल पे बैठने के लिए। ठीक है, हंगर स्ट्राइक। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय, थैंक यू फॉर द सुपर आइडिया, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर द वंडरफुल आइडिया। सिमी,
अगर कल तक पानी नहीं आया तो? अरे विशाल कैसे नहीं आएगा, अभी तो उसने कहा ना कि कल तक पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और क्या तुम एक दिन भूखा नहीं रह सकते हो, क्या हो जाएगा? ठीक है, तुम्हारे प्यार में एक दिन भूखा भी रह लूंगा, लेकिन अभी तो कुछ खाने को दो। नो, अभी से तुम प्रैक्टिस करोगे। नो खाना, नो पीना, नो जूस, नथिंग, ओनली भूख हड़ताल। प्रैक्टिस इट फ्रॉम नाउ।